हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का ट्रिगोनोमेट्री। देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या है। देखो ट्रिगोनोमेट्री में एक्चुअली क्या है, ये ट्रिगोनोमेट्री तुम लोग इससे पहले कभी नहीं पढ़े हो, है ना? क्लास 7 में, क्लास 8 में कभी भी ये ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री तुम लोग क्लास 9 में पढ़ने जाओगे तो ये है एकदम पूरा नया एक कंसेप्ट। तो चलो देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। देखो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब है ये तो राइट एंगल ट्रायंगल तुम लोग देखे हो। एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री क्या है ये जानने से पहले हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट होना जरूरी है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल को मान लो यहां पे ए बी एंड सी, ये तीन हम लोग एंगल ले रहे हैं, ठीक? ये राइट एंगल ट्रायंगल का तीन एंगल है, ये हम लोग को पता है। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये राइट एंगल है, ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन इसको सीधा मान लेना तो ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। तो यहाँ पे ये है राइट एंगल। तो राइट एंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपो, दैट इज हाइपोटेन्यूस, ठीक? ये जो नीचे वाले जो लाइन है दैट इज बी सी, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है? इसका नाम हो जाता है बेस। एंड ये जो है ये हो जाता है परपेंडिकुलर, इसको हम पार्क के नाम से लिख देते हैं, ठीक? तो ये है एकदम बेसिक कंसेप्ट किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो कंसेप्ट है इसमें कुछ और इंक्लूड कर देते हैं। ये मेरा, ये हम लोग का पूरा प्रीवियस नॉलेज है जो कि है एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे ये एक दो ये तीन एंगल्स लेके राइट एंगल ट्रायंगल बनता है क्योंकि ये ट्रायंगल है तो यहाँ पे तीन एंगल्स रहेगा और तीन साइड्स भी रहेगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स होता है जो टर्म हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्री में यूज होता है। कैसा टाइप का टर्म्स? कुछ टर्म्स तुम लोग सुने हो, दैट इज साइन कॉस टैन, ठीक? ये जो है ये टर्म्स तुम लोग सुने हो, है ना? अगर नहीं भी सुने हो तो अभी सुन लो, यह है साइन, यह है कॉस, यह है टैन। तो ये सारा जो टर्म्स है एकदम नया टाइप का टर्म्स है, इसको ये जो ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर एंड बेस है इससे ये साइन कॉस टैन फाइंड किया जाता है। बहुत ध्यान से समझना, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल का ये तीन साइड का तीन नाम है, दैट इज हाइपोटेन्यूस बेस एंड परपेंडिकुलर, ये तीन नाम से ये फाइंड किया जाता है, ठीक है? और कैसे फाइंड किया जाता है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये ट्रायंगल का एक और एक फॉर्मूला होता है। कौन सा वाले ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम? राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, एक और एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला होता है ये है फॉर्मूला, तुम लोगों को पता है क्या है। इसको ऐसे याद मत रखना, इसको कैसे याद रखना, हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है? इसको ऐसे याद रखना, समझ में आया? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर ये दोनों को तुम उल्टा भी कर सकते हो कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एक्चुअली में क्या हो जाता है, 3 + 2 हम लोगों का क्या होता है, 5 हो जाता है। तो 2 + 3 करोगे तब भी आंसर 5 ही आएगा। तो प्लस के टाइम तुम किसको पहले पुट कर रहे हो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बात समझ में आया? तो चलो अब देखो, ये वाला लॉजिक हमको पहले से पता था, ये वाला लॉजिक हमको पहले से पता था, लेकिन ये वाला जो लॉजिक है ये लॉजिक हम लोग क्लास 9 में सीखेंगे, ठीक? देखो लॉजिक क्या है यहां पे वही देखते हैं। यहां पे साइन जनरली कुछ राइम्स होता है याद रखने के लिए, तो वो राइम्स हम बाद में बता रहे हैं, लेकिन वो राइम्स में जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पे एक एरो डालेंगे क्योंकि ये एरो से हम लोग याद रखेंगे।
ये एरो क्या है, मेरा फेवरेट थिंग है, क्योंकि तुम लोग देखे हो कि क्लास 7 का जो यूनिटरी मेथड है वो भी मैंने एरो मेथड से दिखाया था, क्लास 8 का जो डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन है वो भी मैंने एरो मेथड से दिखाया था, और यहाँ पे भी ट्रिगोनोमेट्री पे भी जो ये फॉर्मूला है, मतलब साइन कॉस टैन ये सब क्या है, कुछ नाम है और इसका ये फाइंड करने का कुछ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी हम ये एरो मेथड से ही याद रखने के लिए बोलेंगे और वही हम समझाएंगे, वही दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि एरो मेथड जो होता है ये बहुत इजीली ग्रैब हो जाता है और सिंपल होता है, ये मेरा ओपिनियन है, तुम लोगों का भी शायद यही ओपिनियन होगा आफ्टर सीइंग द वीडियोस ऑफ यूनिटरी मेथड एंड डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन इन दिस चैनल, ठीक। तो आप देखो यहां पे क्या है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक, एंड यहां पे ये हो जाता है एक ऐसा वाला एरो, तीन एरो को बहुत ध्यान से देखना, ठीक। पहला वाला एरो मैंने क्या डाले हैं, देखो ऐसा वाला क्लॉकवाइज एरो, यहां पे क्या डाले हैं, एंटी क्लॉकवाइज एरो, फर्स्ट ये है फर्स्ट एरो, ठीक, ये है सेकंड एरो एंड ये है थर्ड एरो, बात समझ में आया। अब देखो ये जो फर्स्ट एरो हम डाले, ये फर्स्ट एरो हम फर्स्ट में किस लिए डाले, क्योंकि फर्स्ट साइन था, तो यहां पे हम लिख देंगे कि साइन, बात समझ में आया। ये सेकंड एरो डाले, तो सेकंड एरो मतलब यहां पे ये सेकंड में क्या है, कॉस है, एंड ये थर्ड एरो डाले हैं, तो ये थर्ड एरो मतलब थर्ड में क्या है, टैन है, तो ये है एरो मेथड। अब इससे फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो ऐसा टाइप का एरो का मतलब ये है कि पहले बैठेगा परपेंडिकुलर, देन बैठेगा हाइपोटेन्यूस, दैट मींस साइन इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं पर्प डिवाइडेड बाय हाइपो, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस का रेशियो है, ठीक है, इसीलिए ये तीनों जो फॉर्मूला निकलेगा इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, बात समझ में आ रहा है। एक और एक बार कॉस से बताते हैं, कॉस का फॉर्मूला मैंने क्या डाले हैं, देखो ऐसा टाइप का एरो डाले हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, कॉस क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, जहां से स्टार्ट करेंगे ये बाय ये, यहां से चालू क्या था, तो दिस बाय दिस, बात समझ में आ रहा है, दिस बाय दिस क्या था, यहां पे ऐसा एरो है, दैट मींस दिस बाय दिस होगा, बेस बाय हाइपो, तो यहां पे लिख दो, समझ में आया। तो ये क्या है, बेस एंड हाइपोटेन्यूस का रेशियो है, बेस एंड हाइपोटेन्यूस का रेशियो है, तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं इसको, दोनों का रेशियो है इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं रहता है, एंड क्या है, इसको कहता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक। और ट्रिगोनोमेट्री का नाम क्यों ट्रिगोनोमेट्री दिया गया है ये हम बाद में बताएंगे, ज्योमेट्री का नाम क्यों ज्योमेट्री दिया गया है ये तुम लोगों को पता है शायद, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का नाम क्यों ट्रिगोनोमेट्री दिया गया है ये हम बाद में बता रहे हैं, उससे पहले ये लॉजिक समझो, ठीक। अब देखो tan, tan का मतलब क्या हो जाएगा, कहां पे है tan, यहां पे है, तो फॉर्मूला तुम लोग बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, है कि नहीं बोलो, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, मैंने यहां पे कैपिटल लेटर दिया है और यहां पे स्मॉल लेटर, ऐसा नहीं कि cos में कैपिटल से लिखना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ये जो है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बात समझ में आया, यहां तक क्लियर है, अगर यहां तक क्लियर है तो एक लॉजिक और देखो, ये साइन कॉस टेन अकेला नहीं बैठता है, अकेला नहीं बैठता, कैसे बैठता है, कोई भी एक एंगल को डिनोट करता है, दैट मींस ये राइट एंगल के साथ काम तो करता है लेकिन कोई एक पर्टिकुलर एंगल को डिनोट करते हैं, बात समझ में, कोई एक पर्टिकुलर एंगल को डिनोट करते हैं, तो कौन सा वाला एंगल, यहां पे कितना एंगल है, ए बी सी थ्री एंगल्स आर देयर, ठीक, तो कौन सा वाला एंगल को डिनोट कर रहा है, एक लॉजिक याद रखना, राइट एंगल कहां पे है, यहां पे, तो राइट एंगल का राइट साइड वाला एंगल ये तीनों ही डिनोट करेगा, बात समझ में आया, तो फिर ये आया साइन सी, यहां पे आएगा कॉस सी, यहां पे आएगा टेन सी, बात समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं कि अगर तुम्हारा मन में ये क्वेश्चन है कि सर यहां पे साइन बी हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये बी 90 डिग्री को
क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। जो एंगल 90 डिग्री को डिनोट करेगा उस एंगल को हम लोग साइन कॉस टेन में पुट नहीं कर सकते और वो पुट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? रूल्स है, कुछ पर्टिकुलर रूल्स रहता है सब कुछ का, ठीक। अब देखो, अब अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि सर तो फिर यहां पे साइन ए हो सकता है, हाँ बेटा हो सकता है, लेकिन साइन ए करने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक लॉजिक है जो ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने अभी अभी क्या बताया, ये वाले एंगल को मतलब ये तीन जो है, मतलब ये पूरा का पूरा जो डायग्राम और फिर जितना सारा मैंने ड्रॉ किया है, ये पूरा का पूरा बेस्ड ऑन दिस एंगल। बात समझ में आया? अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि सर ये एंगल क्यों? ये एंगल रूल्स है, अगर यहां पे जो बंदा बैठेगा मतलब यहां पे सी है तो यहां पे सी बैठेगा, यहां पे ए है तो यहां पे ए बैठेगा, यहां पे पी है तो यहां पे पी बैठेगा। बात समझ में आ रहा है? तो लॉजिक क्या है? लॉजिक यह है कि राइट एंगल का राइट साइड का जो एंगल होगा वही वाला नंबर यहां पे बैठेगा। समझ में आया? अब अगर ट्रायंगल क्या सिर्फ ऐसा ही हो सकता है? नहीं हो सकता। तुम बता रहे हो कि सर ट्रायंगल अगर ऐसा होता है तो, मैंने एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ किया तब क्या हो जाएगा, और मैंने अपने से नाम दे दिया, मान लो यहां पे P, यहां पे Q, यहां पे R, ये एक ट्रायंगल है। ये वाला लॉजिक समझ में आया है आई थिंक। चलो यहां पे क्या है, ये एक अलग राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने यहां पे क्या बताया, राइट एंगल का राइट साइड वाला, लेकिन यहां पे तो राइट एंगल ये बंदा है ना, ये जो क्यू है मतलब दो परपेंडिकुलर, मतलब एक ये वाला लाइन एक ये वाला लाइन है ना, मतलब एक ऐसा आएगा एक ऐसा आएगा, तो परपेंडिकुलर हो रहा है, तो यहां पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, यहां पे 90 डिग्री है ना, तो राइट एंगल का राइट साइड तो कुछ है ही नहीं, तो राइट एंगल का लेफ्ट साइड चेक करेंगे। यहां पे क्या है, आर। तो ये ट्राइंगल में जितना भी रेशियोज बनेगा साइन कॉस टेन का, सारा का एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। दैट मीन्स ये ट्राइंगल को अगर हम देख रहे हैं तो यहां पे आएगा साइन आर, यहां पे आएगा कॉस आर, यहां पे आएगा टेन आर, दैट इज इक्वल्स टू, अब यही सेम वाला यहां पे भी परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर ये है कि ये है, तुमको देखना नहीं है, तुम कैसे देखोगे, ये देखोगे कि जो राइट एंगल का साइड में है, जो राइट एंगल का राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, एक बात बहुत ध्यान से समझो, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पे तो ये भी राइट एंगल का साइड है। देखो बेटा हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, ये मेरा ऊपर है, ये मेरा नीचे है, ठीक, तो ये वाला साइड एंड ये वाला साइड देखना है, मतलब मेरा हेड यहाँ पे है तो इसका इस साइड और इस साइड देखना है, ऊपर नीचे नहीं देखना है। तो यहाँ पे भी राइट एंगल को मान लो तुम्हारा हेड, तो इसका इस साइड में देखना है और उस साइड में देखना है। अब ट्रायंगल जैसा भी हो, हम तीन चार ट्रायंगल ड्रॉ करके फिर से समझाएंगे, तो टेंशन मत लो। तो यहाँ पे क्या है, राइट एंगल है, तो राइट एंगल का यहाँ पे डायग्राम क्या था, राइट साइड, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड। तो मतलब क्या है, अगर हम ऐसा है तो ये मेरा हुआ राइट साइड, ये मेरा हुआ लेफ्ट साइड, ठीक, तो राइट एंगल मेरा ये हेड है, तो इसका राइट साइड देखेंगे या लेफ्ट साइड देखेंगे, ऊपर नीचे नहीं देखेंगे, ठीक। अब देखो अब हम ऐसे हैं, तो ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, तो साइड चेंज हो गया, लेकिन साइड में देखेंगे, ऊपर नीचे नहीं देखेंगे। बात समझ में आया? तो अब देखो यहां पे साइन आर कॉस आर टेन आर हो जाता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अगर तुम इसको परपेंडिकुलर मान लोगे तो दिस बाय दिस होगा। बात समझ में आ रहा है, दिस बाय दिस। तो हमेशा ये बात ही याद रखना, जो एंगल को हम ले रहे हैं तो ये क्यू आर होगा बेस। बात समझ में आया, क्यू आर होगा बेस। जैसे कि मेरा राइट एंगल ये था और ये एंगल को डिनोट कर रहा था तो ये बेस हुआ, यहां पे भी ये एंगल लिया एंड ये एंगल लिया, ये आर क्यों लिया है, क्योंकि राइट एंगल का साइड में है, लेफ्ट साइड में है, मतलब मेरे हिसाब से लेफ्ट साइड है, तुम लोगों के हिसाब से हो सकता है कि कुछ और साइड होगा, राइट साइड होगा, हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे ही दिखा रहा है तो तुम लोग भी ऐसे ही देखोगे, ठीक है। तो इसका दिस साइड एंड इसका दिस साइड चेक करेंगे। समझ में आए, ठीक। अभी और एग्जांपल लेंगे हम, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, बेस, और यहां पे ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर।
ठीक है, यहां तक कंसेप्ट समझ में आया। चलो अब कुछ और एंगल्स लेके देखते हैं। ठीक है, देखो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्री में कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझो। अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल वो चेंज होते रहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल वो चेंज होते रहता है। तो देखो अगर ट्रायंगल ऐसा है तो मान लो ए बी सी, अगर ट्रायंगल ऐसा है, अगर ट्रायंगल ऐसा है तो हम लोग ये वाले एंगल को लेंगे क्योंकि ये राइट साइड, राइट एंगल का राइट साइड है। अगर ट्रायंगल ऐसा है, हो ही सकता है, तो फिर यहां पे राइट एंगल है, इसका लेफ्ट साइड ये वाला एंगल को लेंगे। तो मान लो ये है पी क्यू आर, तो ये वाला एंगल को लेंगे। बात समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल को लेंगे। अब मान लो कि ट्रायंगल ऐसा है, हो ही सकता है कि नहीं बोलो, हो सकता है, तो फिर राइट एंगल यहां पे है, तो कौन सा वाले को लेंगे, इसको कि इसको, इसको लेंगे, है ना, राइट या फिर लेफ्ट। अब देखो ट्रायंगल ऐसा करके है, ऐसा ट्रायंगल है ना, तो फिर यहां पे राइट एंगल है, तो इसका ये वाला ट्रायंगल को लेंगे। तो बात समझ में आया। तो यहां पे मान लो कि हम दे देते हैं एम एन ओ, यहां पे दे देते हैं एक्स वाई जेड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस सी एंगल के रिगार्डिंग साइन कॉस टेन होगा, यहां पे आर के साथ साइन कॉस टेन होगा, मतलब इसमें साइन आर कॉस आर टेन आर होगा, इसमें साइन ए साइन बी साइन सी साइन कॉस सी टेन सी होगा, सी होगा, यहां पे एन रिलेटेड होगा साइन एन कॉस एन टेन एन होगा, यहां पे जेड रिलेटेड होगा तो साइन जेड कॉस जेड टेन जेड होगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं बोलो। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। क्यों, देखो ये जो है एक लेंथ है, ये जो है एक लेंथ है, तो दो लेंथ है, तो दो लेंथ का रेशियो निकाल रहे हम लोग, तो दो लेंथ का रेशियो है, इसीलिए ये कहता है हम लोग, क्या कहते हैं इसको, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। बात समझ में आया। तो ये है बेसिक कंसेप्ट। अब चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। एक और बार रिवाइज करते हैं। देखो यहां पे क्या है, साइन ए मान लो, हम इसको ए मान लेते हैं, या फिर मैंने वहां पे सी से किया था तो चलो साइन सी है, साइन सी मैंने क्या लिया था, फॉर्मूला क्या था बोलो, याद नहीं है, ठीक है, हाइपो डिवाइडेड बाय क्या था, हमको भी याद नहीं आ रहा, तो फिर ये फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला याद करने के लिए एक लॉजिक है, हम जनरली दो लॉजिक बताते हैं, एक होता है एक तो लॉजिक ये है, क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, ठीक, बात समझ में आया। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर ये जो है इससे ये वाला पार्ट कैसे आ रहा है ना, चलो ये तो समझाएंगे, इसके बाद एक और एक बात बताते हैं। तो हम जो दो मेथड बताते हैं, एक है ये तीन लाइन का मेथड, दूसरा एक है एक लाइन का है।
देखो ये क्या है, एक है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, दूसरा ये है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये दोनों का कोई भी एक तुम याद रख सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन सा वाले याद रखे। देखो बेटा यहाँ पे तुम्हारा 3 लाइन है, यहाँ पे तुम्हारा 2 लाइन है, तो जनरली यहाँ पे वर्ड जो है बड़ा बड़ा है, यहाँ पे वर्ड जो है छोटा छोटा है। तो जनरली अगर मेरे को पूछोगे कि सर आप कौन से वाले सजेस्ट करते हो, तो हम यही बताएंगे। ठीक है, यही बताएंगे, ये नहीं बताएगा, ये बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये छोटा है, स्मॉल है, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, ये तीनों याद रखना है। क्या है मेरे साथ बोलो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। ठीक, अब देखो इससे ये वाला लॉजिक कैसे आएगा। देखो इसका क्या देखना है, ये देखना है, बस खत्म। ठीक, क्या देखना है, पहला वाला जो लेटर है वो चेक करना है। सम पीपल हैव का एस डिनोटेड एज साइन, सम का एस साइन, पी एच क्या हो जाता है, मैंने यहां पे हाइपो लिखा था जो गलत लिखा था क्योंकि हमको याद नहीं आ रहा था। अरे बेटा मैंने नाटक कर रहा था, मेरा याद है ऑलरेडी, है ना, तो चलो यहां पे हमको सिखाना था ये तुम लोग। अब देखो यहां पे क्या था, साइन सी, तो यहां पे क्या है, पी पी एच, तो पी बाई एच कर देंगे, दैट मीन्स पी एच। अब क्या है याद करो, पी से था मैंने लिखा था कि पर, एच से लिखा था मैंने क्या लिखा था, हाइपो, है ना, याद आया, फॉर्मूला आया। अब चेक करो, थोड़ा सा रिवाइंड करके चेक करो, पर बाय हाइपोटेन्यूस, समझ में आया है। अब देखो यहां पे सी डिनोटेड एज कॉस, एंड कॉस सी होगा क्योंकि मतलब मेरा ट्राइंगल क्या है, ये वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं, मान लो, मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और ये वाला एंगल को हम ले रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सी लिख रहे हैं। ठीक, अब देखो ये है परपेंडिकुलर बाय हाइपो, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉस सी मतलब बी बाय एच, तो पहले यहाँ पे एक लाइन दो, बी एच, तो बी मतलब क्या था, बेस था, एच मतलब क्या था, हाइपो था, तो फॉर्मूला आ रहा है। और जो है ये टेन सी, टेन सी क्या हो जाएगा, देखो क्या था, पी बाई बी, दैट मीन्स पी बी। ठीक है, इसको कैपिटल कर देते हैं क्योंकि ये भी क्या है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पार्प, और यहां पे हो जाएगा बेस। तो फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं, बोलो, इससे ये वाला लॉजिक आया, आया। अब देखो इससे कैसे याद रखोगे, इसका लॉजिक ऐसा है, दिस बाय दिस, P by H, यहां पे देखो this equals to, अगर हम कर देगा और भी शॉर्ट में, P by H, this equals to B by H कर लो, this equals to P by B कर लो और भी शॉर्ट में। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो P by H आ रहा है, B by H आ रहा है, P by B आ रहा है। अब देखो तुमको लिखना कैसे है, ये पूरा पूरा लिखना नहीं है, दिमाग में ये सोचना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस आ गया मेरा फॉर्मूला, आ गया मेरा फॉर्मूला। ठीक है, ये पूरा लाइन लिखना ही नहीं है, ये लोगों को बताने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि हम ये वाले मेथड से फॉर्मूला लर्न किया, लेकिन बेटा तुमको बताना ही नहीं है, किसी को बताना है, स्कूल में पूछेगा तो दिमाग में ये वाला करो, सर को बोलो सर हम कॉपी में लिख देगा फॉर्मूला, जाके लिख देगा, लेकिन हम बता नहीं पाएगा, है ना। तो या फिर तुम दिमाग में ये कर लो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पी बाई एच आ रहा है, तो फिर पी बाई एच मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो वो हो गया साइन का, ऐसा सोचो। ठीक है, ये दिमाग में सोचो, ये भी दिमाग में सोच सकते हो कि सम पीपल हैव, तो फिर एस इक्वल्स टू पी बाय एच, है ना, सम पीपल हैव, तो एस इक्वल्स टू पी बाय एच, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस किसका हो गया, साइन का, दिमाग में सोच लेना। ठीक है, लिखना ही नहीं है ये सब, तो ये है क्या है, फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे उसका लॉजिक, समझ में आया। मेरे को पूछोगे कि सर आप कौन सा वाले प्रेफर करते हो, हम बताएंगे कि ये वाला, क्योंकि कभी कभी यहां पे ना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, यहां पे ना कंफ्यूज हो जाते हो कि ये ज्यादा दिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये क्या हो जाता है, भूल जाते हो कि क्या था, क्या था, याद कर लेना, मतलब अभी
तुमको लग रहा होगा कि सर हम यही तो याद कर लेंगे, ये इतना इजी है, लेकिन बेटा तुम डेली कहाँ पे मैथ्स करते हो? नहीं करते हो, है ना, लेकिन डेली करना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस में रहना चाहिए, लेकिन डेली कौन करता है ना? तुम लोग मेरे से समझदार हो तो तुम लोग क्या करते हो ना, एक दिन मैथ्स करके अरे बहुत इजी है, हो गया, तो चलो फिर एक महीना बाद सम लेके बैठते हो और बिना देखे सम बना नहीं पाते हो। तो इसीलिए ऐसा एक लर्न करना है जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जैसे कि बचपन में तुम पढ़े थे, आज भी याद होगा अगर तुम राइम्स बताते रहोगे तो, देखना याद आ जाएगा लाइंस, है ना। तो यहाँ पे भी एक ऐसा वाला लॉजिक याद कर लो जो एक राइम की तरह एक लाइन में आ जाएगा, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तुम दो महीना क्या चार महीना भी ट्रिगो लेके बैठो मत, फिर भी उसके बाद देखना ये वाला लॉजिक याद रहेगा, लेकिन ये याद नहीं रहता है, ये याद नहीं रहता है, इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। क्योंकि देखो हम लोग अगर छोटा नाम जितना होता है वो सबको याद हो जाता है, लेकिन जितना बड़ा नाम होता है उतना याद नहीं होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से छोटा जो लॉजिक है इसको याद कर लो तो ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा पढ़ने में, समझने में, याद रखने में, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, फिर हम लोग सम्स बनाएगा। अब देखो इतना देर तक हम लोग क्या पढ़े वो चलो शॉर्ट में समझते हैं। देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये मान लो कि ए बी सी है, तो ए बी सी में ये वाले ट्राइंगल को लेके, मतलब ये वाले एंगल को लेके हम लोग साइन कॉस टेन बनाते हैं, और साइन कॉस टेन के लिए क्या हो जाता है हम लोग का फॉर्मूला, सम पीपल हैव, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन सी कॉस सी टेन सी, है ना। तो फिर साइन सी क्या हो जाएगा, पी बाई एच, है ना। मैंने क्या बताया, एरो मेथड, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, वो सब अगर याद नहीं रखना चाहते हो, कुछ नहीं रखना चाहते हो, तो हम बताएंगे कि एरो मेथड से याद कर लो, ठीक है। दिस बाय दिस हो जाता है साइन, दिस बाय दिस हो जाता है कॉस, दिस बाय दिस हो जाता है टेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपो है, तो पी बाई एच कर लो, देन कॉस हो जाएगा हम लोगों का क्या, बी बाई एच, टेन हो जाएगा हम लोगों का क्या, पी बाई बी, ठीक है। तो ये है बेसिक। अब देखो इसके बाद और क्या क्या है, साइन का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है। अब जो है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में क्या हो जाता है, साइन का रेसिप्रोकल दैट मींस वन बाई साइन हो जाता है, वन बाई साइन सी हो जाता है कोसेक सी, ठीक है। वन बाई कॉस सी क्या हो जाता है, सेक सी, एंड वन बाई कॉट, वन बाई कॉट नहीं, वन बाई टेन, वन बाई टेन हो जाता है कॉट सी, ठीक है। ये तीन क्या है, ये तीन है मतलब इनका रेसिप्रोकल। मान लो साइन सी का वैल्यू, कॉस सी का वैल्यू, टेन सी का वैल्यू जैसा आएगा, मान लो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो साइन सी का वैल्यू है टू बाई थ्री, ठीक है, तो हम लोगों का टू बाई थ्री है, तो हम लोग का कोसेक सी क्या हो जाएगा, तो कोसेक सी हो जाएगा थ्री बाई टू, बस इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये टू बाई थ्री है इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि इधर भी रेसिप्रोकल हुआ है, इक्वल टू के टाइम क्या होता है, लेफ्ट साइड में अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो राइट साइड में भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल हुआ, कोसेक आ गया, तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल हो जाएगा थ्री बाई टू। बात समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, चलो सबका यही लॉजिक करेंगे। अब चलो सीधा का सीधा सम में चलते हैं, देखते हैं कि कैसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व करना होता है। अब चलो एग्जाम्पल देते हैं, कुछ एग्जाम्पल से सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन तुम यहां पे दिख जाओगे, साइड में क्वेश्चन होगा, ठीक है। हम सीधा का सीधा क्वेश्चन सॉल्यूशन पे चलते हैं। मेरे पास बुक है तो ये बुक का जो फोटो है यहाँ पे हम दे देंगे ताकि तुम लोगों का इजी रहता है, हम बुक से ही पूरा का पूरा समझा देंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तुम लोगों को दिख जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों को हमको दिख जाएगा, तो फिर क्वेश्चन कॉपी करने का कुछ है नहीं, तुम लोगों को दिख रहा है तो वहां उसके साथ यहाँ पे मैच कर लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखो एक्चुअली में हम लोग का डायग्राम कैसा है, ऐसा टाइप का डायग्राम है ना, ऐसा टाइप, ये सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसा टाइप का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए बी, ये ए बी एंड सी गिवन है, यहाँ पे ये गिवन है 13, ये गिवन है कि 5, ये ऐसा टाइप का बॉक्स का मतलब है वो राइट एंगल है। फाइंड करना है साइन ए कॉस सी, तो चलो साइन ए पहले फाइंड कर लेते हैं। अब देखो साइन ए मतलब क्या है, देखो मैंने क्या बताया था, राइट एंगल का राइट साइड,
तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में ही बता दिया है कि साइन ए ढूंढना है, साइन ए ढूंढना है, दैट मींस ये वाला एंगल हमको ढूंढना है, मतलब ये वाला एंगल लेके हमको चलना है, साइन कॉस, मतलब साइन में ये बता रहा है, फिर बाद में कॉस सी बता रहा है, तब अलग से सोचेंगे। तो यहाँ पे क्या है, साइन ए बता रहा है, दैट मींस ये वाले एंगल लेके बात कर रहा है, तो फिर हम लोग देखेंगे ही नहीं, हम लोग क्या देखेंगे, लॉजिक क्या समझे हैं कि जो राइट एंगल और जो एंगल यहाँ पे बैठेगा उसको हम लोग क्या लेंगे, बेस लेंगे। ये हम लोग का कंसेप्ट है, ऑलरेडी समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला तब क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा राइट एंगल का ऑपोजिट साइड, तो दिस विल बी हाइपोटेनियस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर, की वही बचा हुआ है, बेस आ गया, हाइपो आ गया, परपेंडिकुलर ही बचा हुआ है। अब देखो हमको ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरे पास बेस है, हाइपो है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, वही क्या है, पाइथागोरस, है ना। तो फिर पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपो का स्क्वायर, मैंने यही बताया कि हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही याद रखा करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइपो है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, पी जो है ये हम लोग का क्या है पता नहीं, तो पी स्क्वायर रख दो, बी जो है ये है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 169 माइनस, इसको इधर लेके आओ तो 25, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 169 से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या हो जाता है 5 है, 9 है, यहाँ पे 4 आएगा, 16 से 2 कैंसिल आउट कर दो तो कितना आ जाता है 14 आ जाता है ना, तो फिर यहाँ पे 144 दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, तो यहाँ पे पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12, बात समझ में आया, पी इक्वल्स टू 12 आ जाएगा क्योंकि रूट करेंगे, तो देखो परपेंडिकुलर आ गया हम लोग का 12, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। अब देखो साइन ए मतलब क्या होता है, हम लोग का लॉजिक क्या था, ऐसा एरो मेथड से याद रखना, तो कुछ कोई भी टाइप का फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं होगा, तो ये है पहला, यही हो जाता है साइन, दैट मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपो, तो फिर पी बाय एच, पी क्या है हम लोग का 12, बाय हाइपो है हम लोग का 5, तो 12 बाय 5 हो गया आंसर, बात समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट बता दिया है कि कॉस सी, तो कॉस सी ढूंढना है, देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से चेक करना, कॉस सी मतलब ये वाले एंगल को लिया गया है ना, मतलब डायग्राम ये का यही रहेगा, है ना, यहाँ पे क्या है बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, ठीक है। अब देखो बताया गया है कि हमको फाइंड करना है कॉस सी, तो कॉस सी का मतलब क्या है, कौन सा एंगल लेके चल रहा है, सी लेके चल रहा है, तो मेरा राइट एंगल मेरा ये है, राइट एंगल मेरा क्या है बी है, अब सी को लेके चल रहा है, सी को लेके, और मैंने क्या कहा था, जो राइट एंगल होगा एंड जो एंगल लेके चलेंगे, तो ये दोनों के बीच में जो लाइन रहेगा वो वाला लाइन हम लोग क्या लेंगे, बेस लेंगे, यहाँ पे भी वही लिया था, तो ये अगर बेस है तो ये तो ऑटोमेटिकली हाइपोटेनियस हम लोग का फिक्स है, ये क्या हो जाएगा हाइपो, है ना, राइट एंगल का ऑपोजिट साइड, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो लॉजिक हम समझा रहे हैं ना, ये वाला लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, बात समझ में आया। चलो यहाँ पे क्या है, देखो बेस हम लोग का, अब वैल्यूज तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, वैल्यूज तो यहाँ पे हम लोग का आ गया, लेकिन वैल्यू क्या है, देखो ए बी के बीच में था 5, तो 5 पुट कर दो, यहाँ पे ए सी के बीच में था 13, तो 13 पुट कर दो, बी सी के बीच में था क्या था 12 था, तो 12 पुट कर दो। अब ये बेस परपेंडिकुलर हाइपो ये नाम बदल गया है, लेकिन वैल्यूज तो सेम ही रहेगा, वैल्यूज कोई डिफरेंस नहीं होगा वैल्यूज में, तो यहाँ पे ये है, तो कॉस सी का क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा था, देखो ये वाला अगर ट्राइंगल है तो दिस बाय दिस, दैट मीन्स बेस बाय हाइपो, तो यहाँ पे क्या लिखना है, बेस बाय हाइपो, तो बेस मेरा क्या है यहाँ पे 12 है, बात समझ में आ रहा है, हाइपोटेनियस मेरा क्या है 13 है, तो 13 है, तो ये हो जाएगा 12 बाय 13 विल बी द आंसर, बात समझ में आ रहा है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया, वो बहुत टाइम लेके समझाया, क्या है राइट एंगल का राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड चेक करना है, राइट एंगल का राइट साइड या फिर चेक करना है, वही वाले एंगल यहाँ पे बैठेगा, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल का राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड चेक करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे तुमको गिवन है कि ये सी है, ये गिवन है, यहाँ पे ए गिवन है, तो उसके बाद मैंने एक और एक कंसेप्ट समझाया है, कौन सा वाला कंसेप्ट, कि यहाँ पे जो एंगल रहेगा, यहाँ पे जो एंगल रहेगा यही वाला एंगल एंड 90 डिग्री के बीच में जो लाइन है वो बेस हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा, वही वाला कंसेप्ट थोड़ा सा एक और बार रिवाइज कर लो, ठीक है, अगर नहीं करना है तो चलो एक और बार हम लोग वो वाला समझते हैं। देखो यहाँ पे है एक ये राइट एंगल ट्राइंगल,
ये वाला एंगल जो है हम लोगों का, यहाँ पे मान लो कि ए बी सी है, तो ये है सी, बात समझ में आया, ये है सी। तो अब देखो क्या है, ये सी है तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग यहां पे साइन कॉस टेन जितना भी लेंगे सी से लेंगे, जितना भी लेंगे सी से लेंगे। अगर अगर मेरा डायग्राम नहीं है, अगर मेरा डायग्राम नहीं है लेकिन क्वेश्चन में ये बता दिया है कि तुमको लेना है साइन आर, बात समझ में आया, क्योंकि बता दिया है कि एक ट्राइंगल है कि पी क्यू आर जिसमें साइन आर तुमको लेना है, दैट मीन हम लोग क्या सोचेंगे, देखो यहां पे क्या है बताया गया है, मान लो कि ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड तुमको साइन आर लेना है, ये क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू आर दैट मीन ये क्यू 90 है, मिडिल वाला 90 है, तो क्यू को यहां पे पुट कर दो, तो ये हो गया 90। अब जो है साइन आर दैट मीन आर को यहां पे पुट करना है, यहां पे आर, तो ऑटोमेटिकली पी मेरा यहां पे पुट हो जाएगा, बात समझ में आया। तो ऐसा करके भी हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या था, कॉस सी था, तो कॉस सी है तो सी गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री एंड सी के बीच में जो लाइन है उसको बेस ले लेंगे, हमेशा इसको बेस ले लेना है, हमेशा इसको बेस ले लेना है। अब चलो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो टैन ए के बारे में बता रहा है, टैन ए मतलब मेरा ये वाले अगर ट्राइंगल है तो दिस बाय दिस, ठीक है, दिस बाय दिस। एरो मेथड से याद रखो, कोई भी टाइप का फॉर्मूला, कोई भी टाइप का कुछ याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, दिस बाय दिस मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहां पे लिख दो परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ए है, ए है मतलब ये वाला ट्राइंगल लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, एक ए से ले चुके हैं एक सी से ले चुके हैं, तो फिर यहाँ पे टैन ए है तो मतलब ये वाला ट्राइंगल को लेना है क्योंकि यहाँ पे ए है, बात समझ में आ रहा है। अब देखो टैन ए मतलब ये वाला ट्राइंगल में परपेंडिकुलर मेरा कौन है 12 है, बेस मेरा क्या है 5 है, तो फिर 12/5 तो हो गया आंसर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, वो कंसेप्ट है जो स्टार्टिंग से जो मैंने बताया इतना देर से, जो 30 मिनट से समझाया, ठीक है, उस पे थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा सा फोकस करो, तब जाके ये याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखो नेक्स्ट जो है वो बताया है कि कोसेक सी, कोसेक सी क्या हो जाएगा, अब देखो कोसेक सी ढूंढना है तो कोसेक सी का मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक सी मतलब हम लोग ये वाले ट्रायंगल में आएंगे, है ना, क्योंकि ये कॉस सी ये वाले ट्रायंगल से निकाले थे, सी वाले हम लोग यहां से निकाल रहे थे, क्योंकि कोसेक सी मतलब क्या है, कोसेक सी मतलब ये हो जाता है कि राइट एंगल एंड सी के बीच में जो लाइन होगा ये हो जाएगा बेस, तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी ट्राइंगल ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पे कोसेक सी का मतलब क्या है, टैन का उल्टा, टैन का नहीं साइन का उल्टा हो जाएगा, तो फिर एरो मेथड से कैसे याद रखेंगे, मैंने बताया था, तो ये है तो पहला वाला लॉजिक ये था, तो दिस बाय दिस दैट मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है, ये हम लोग का साइन हो जाता है, लेकिन साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक सी आ जाएगा, तो साइन सी कहां पे था, साइन सी मैंने निकाला ही नहीं है, तो फिर इससे पहले एक बार साइन सी निकाल लो, तो साइन सी हम लोग का क्या हो जाता है, देखो यहां पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसमें परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपो क्या है 13, तो 5/13 हो जाएगा, है ना, तो 5/13 इसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा 13/5 विल बी द आंसर ऑफ कोसेक सी, बात समझ में आया। अब चलो लास्ट एक और एक है, क्या है, ये था नंबर 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4 ये वाला था कोसेक सी एंड 5 ये तो हम लोग निकाले हैं। अब देखो लास्ट वन क्या है, sec square a minus tan square a, है ना, sec square a minus tan square a। अब देखो इसमें क्या करेंगे, sec और tan, तो sec मतलब cosec, cosec का या फिर cos का, cos a का उल्टा, तो फिर cos a निकाल लो, cos a मतलब ये वाला ट्राइंगल से निकालेंगे, तो cos का मतलब क्या होता है, ये वाला ट्राइंगल है तो this by this करेंगे, तो cos मतलब base by है, मतलब वही सोचना, पहले ये sin फिर ये cos फिर ये tan, तो फिर cos का क्या हो जाएगा, this by this that means base by hypotenuse, तो यहाँ पे base क्या है, base by hypotenuse 5/13, तो यहाँ पे 5/13, तो यहाँ पे क्या है,
sec a चाहिए, तो फिर यहाँ पे cos a अगर 5 by 13 है तो फिर sec a क्या हो जाएगा 13 by 5। बात समझ में आया? अब चल, ये sec a मतलब क्या है? sec a का होल स्क्वायर, समझ में आया? sec a का मतलब क्या है? sec a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec a है 13 by 5, तो फिर 13 by 5 का होल स्क्वायर माइनस sec a मतलब sec a का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 by 5 का होल स्क्वायर एंड tan tan a का होल स्क्वायर, tan a हम लोग निकाले हैं, हाँ निकाले हैं tan a यहाँ पे, तो देखो tan a क्या है 12 by 5, तो यहाँ पे क्या है 12 by 5 का होल स्क्वायर, tan a मतलब tan a का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? अब चलो इसको सॉल्व कर लो, बचपन में जैसे हम लोग सॉल्व करते थे ना वैसे ही सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं। 13 का स्क्वायर क्या हो गया 169 डिवाइडेड बाय 25 माइनस यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 25, नीचे क्या है 25 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 169 से 144 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी 25, तो यहाँ पे 25 by 25 दैट इक्वल्स टू 1। बाद में जाके पढ़ोगे कि ये फॉर्मूला है कि हमेशा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a अगर करते हैं तो हमेशा आंसर 1 आता है, वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, तो वो बाद में जाके पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे तो चलो ये जो है हम लोगों का इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे एंड होता है, ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो का, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का इंट्रो वीडियो यहाँ पे एंड होता है, तो ये जो है कि एक इंट्रो है, तो बहुत अच्छे से इसको समझना, बहुत मैंने जो बताया इसको बहुत अच्छे से समझो, देखो इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, फॉर्मूला बस वही एरो मेथड से याद रखना, मतलब ये एक ट्रायंगल है तो इसको दिस बाय दिस करो साइन, दिस बाय दिस करो कॉस, दिस बाय दिस करो टैन, तो फिर ऐसे वो सम पीपल हैव और फिर पंडित बद्री प्रसाद सब ये सब याद रखने की कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम पर्सनली प्रेफर करते हैं एरो मेथड, क्योंकि एरो मेथड जो होता है वो बहुत इजी होता है, बहुत इजीली आप लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे ये अगर करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब चलो सीधा चलते हैं एक्सरसाइज पे, देखते हैं कि एक्सरसाइज पे कैसे ये रेशियोज का फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं हम, ठीक। चलो